गवर्नमेंट के बड़े बहुत सी योजना है, मगर हम कोशिश करेंगे। अभी लोक न्यायालय होते हैं वहाँ पे, वो सब लोग आते हैं, तो उनको ये सब समझाने की कोशिश तो ज़रूर होनी चाहिए। लोकल बार में जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बार कौंसिल तो इसके लिए प्रयास करेगा ही, मगर लोकल बार ने जो वहाँ का तालुका बार है या डिस्ट्रिक्ट बार है, उन लोगों ने प्रयास होना चाहिए। मराठी का हिंदी से जो नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके बारे में मैं ये जरूर कहूँगा कि जो लॉ कॉलेजेस हैं उनमें उनको जो शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, और इसलिए बार में आने के बाद भी उनका काफ़ी समय ये जो प्रोसीजर है वो सीखने में और वकालत सीखने में जाता है। इसलिए जो शिक्षा ले रहे उनको मेरा पहला अपील रहेगा कि वो कोर्ट में जाए, प्रोसीजर देखे, जो ट्रायल चल रहा है उसको ऑब्जर्व करें, ताकि जब वो LLB कंप्लीट करके कोर्ट में आएंगे तो उनको जो वेटिंग पीरियड है वो कम से कम वेटिंग पीरियड शुरू करके वो अपनी खुद की वकालत कर सकते हैं। अभी लॉ कॉलेजेस के बारे में हम सुधार लाएंगे, दिल्ली में हम वो लॉ एजुकेशन कमेटी पे अब गए हैं, तो वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि लॉ कॉलेज की शिक्षा के दरमियान ही जो विद्यार्थी है उनको प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग मिले, वो कोर्ट में जाए, ऑफिशियली जाए, और वहाँ का जो शिक्षा है, कोर्ट का जो प्रोसीजर है, वो उनके 3 साल के या 5 साल के शिक्षा में ही उनको मिले, ताकि डिग्री लेने के बाद वो एक अच्छा वकील बने और आपका खुद का व्यवसाय करे और समाज की भी अच्छी तरह से की सेवा उसके हाथ से घड़े, इसका हम कोशिश जरूर करेंगे। और इसीलिए जो विधि शिक्षण में जो भी बदलाव लाना जरूरी है वो आते समय में हम बदलाव लाएंगे, और मुझे इसका ज़रूर एहसास है कि ये बदलाव लाना चाहिए। जब तक ये बदलाव लाएंगे नहीं तब तक वकालत का जो दर्जा है वो अच्छी तरह से बढ़ेगा नहीं। थैंक यू सर। सर्व सन्माननीय जजेस पण आहेत सगळ्यांच्या वसई तालुका भारतातर्फे आम्ही हार्दिक अभिनंदन आणि